हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। और आज लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, तो ये क्लास आपके लिए प्रीमियर की जा रही है और इसको आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सभी कला एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी में से जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब भी लाइव सेशन होगा तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे और सभी लोग आंसर करेंगे। हर एक प्रश्न का आंसर सभी को करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? आंसर आप लोग करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू है, फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे और एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो आज का लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, डेली आपका 6 PM पर लाइव सेशन होता है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। तो 6 PM पर ही आपको ये वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी, जो कि प्रीमियर रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र क्या है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री है, कागज़ का वास्तविक माप क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे, कागज़ का वास्तविक माप क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 210 × 297 mm। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? बहुत ज़्यादा फाववाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार हो जाएगा ऑप्शन डी, मातिस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? क्वेश्चन नंबर 5 है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? सभी लोग आंसर करेंगे, एक एक क्वेश्चन का, हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग करते चलेंगे। तो विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, पिकासो के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वेर्निका। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? सभी टॉपिक से ये प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से करिए। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? इसके बाद जब भी आपका लाइव सेशन होगा तो आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा, आप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल है शिवानी आर्ट क्लासेस, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। सभी का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, तो सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है? सभी लोग आंसर देंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन मूर्तिकार है? क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग आंसर करेंगे, इनमें से कौन मूर्तिकार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। और इनके विषय में जानकारी आपको अगर चाहिए तो चैनल पे समकालीन कलाकारों के प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, सभी कलाकारों के विषय में आपको वहाँ पर जानकारी डिटेल में दी गई है, तो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर टेन है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो सबसे पहले अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आंसर करेंगे यहाँ पर, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारिया सातुओला। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारिया सातुओला होगा यहाँ पर। तो मारिया सातुओला ने सबसे पहले अल्टामीरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारिया
सातुओला। ठीक, सबसे पहले मारिया सातुओला ने अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज की, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग देंगे, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है। अगर आप बिहार स्टेट या फिर किसी भी स्टेट का आर्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी क्लासेस कराई जा रही हैं सभी आपके आर्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ये आपके सभी जितने भी कला की परीक्षाएं होती हैं, KVS, NVS, DSSSB, इसके अलावा इधर आपका UP TGT PGT हो गया, इसके अलावा आपका MIRS TGT PGT सभी जगह उपयोगी रहने वाली हैं। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, अपनी तैयारी करते रहिए। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदमगढ़। राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए, आदमगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? सभी लोग आंसर देंगे, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्को की गुफाएं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर क्या है, पान की आकृति बनी है, तो ये किस गुफा में स्थित है? आंसर दीजिएगा फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंडाला गुफा। ठीक है, तो ये पिंडाल गुफा में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? जितनी भी गुफाएं हैं ये भी आपकी कराई गई हैं चैनल पर, तो आप लोग गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट जरूर क्लिक कीजिएगा। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री VS वाकड़कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फटाफट यहाँ पर हम लोग देखेंगे सभी प्रश्न और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया जा रहा है तो आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखुनिया। लिखुनिया कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य जो है ये किस गुफा में अंकित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिखुनिया। तो लिखुनिया की गुफा में आपको मिलता है नृत्य के दृश्य का चित्र, ठीक है, और ये मिर्जापुर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहाँ पर, 17 क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए, तो किससे निर्मित किए गए प्रागैतिहासिक चित्र? जितने भी प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो उस समय में गेरू और चारकोल से चित्र बनाए जाते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 18। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? मोनालिसा का चित्रकार कौन था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची के द्वारा मोनालिसा बनाया गया। और मोनालिसा से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें जानकारी दी गई है, देख लीजिएगा चैनल पे, और भी वीडियो दिए गए हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तैलचित्र विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, तैलचित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर डी के साथ जाएंगे, वॉन आइक। अगला प्रश्न आंसर करेंगे, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी? किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोमनेस्क कला शैली। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति के
प्रकृति से निकट सानिध्य को स्थापित किया? यहाँ पर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता रही है? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता रही है? सभी लोग आंसर जरूर करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी का आना चाहिए, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हंगरी बुडापेस्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समकालीन कला। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी कलाकार है उनका वीडियो भी आपको दिया जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को क्लिक कर लीजिए जब भी वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुबनी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं, तो ग्वेर्निका किसके द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी जो है ये आपकी बिहार की लोक कला है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोक कलाओं का भी वीडियो आपको चैनल पर दिया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, तीन चित्र है, तीन ताहितीवासी का चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 आंसर देंगे सभी लोग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाल गोगवा। तीन ताहितीवासी चित्र किसने बनाया था? पाल गोगवा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, तो प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे क्लॉद मोने। इनका चित्र है सूर्योदय का प्रभाव, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन थे? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने ए आंसर दिया सभी का सही है, पॉल सेंजा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकॉल्ट। स्वच्छंदतावादी आंदोलन जो था ये किसने प्रारंभ किया था? थियोडोर जेरिकॉल्ट ने। अगला प्रश्न, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्रॉक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी लोग देंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया?
किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एडगर देगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बराक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घनवाद। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा को किसने चित्र किया है? मार्शल दुंशा ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान दीजिएगा, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लारियोनोव। ठीक है, रियलिज्म यानी कि किरणवाद के प्रवर्तक कौन थे? मिखेल लारियोनोव। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोगवा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग आंसर देंगे। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीति चित्र के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुर्बे। रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग रिवीजन बार बार कीजिए, और जितने भी चैनल पे लाइव सेशन है उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। तो द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे था, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 45 का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माने। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 47, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 49, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के काल के थे, और ये पशु पक्षियों के चित्र के लिए फेमस थे। ठीक है, तो बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 51, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन शैली। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया
अजंता की अनुकृति बनाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर गिल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी एवं ईरानी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? सभी लोग आंसर जरूर करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 55, महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 के समय में किस शैली में कार्य हुआ? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। उम्मेद सिंह के समय में कोटा शैली में कार्य हुआ और यहाँ पर शिकार के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। सित्तनवासल गुफा जो है यह तमिलनाडु के तंजौर के निकट पदुकोट्टई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? 57, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकला। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, एमएफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? एमएफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आधुनिक। डिसेंट ऑफ गंजेस, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर, सारनाथ या फिर गंगोत्री में? क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। द डिसेंट ऑफ गंजेस, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर, सारनाथ या फिर गंगोत्री में? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्यूरेट मेमोरी? रैम किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर करेंगे सभी लोग, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पणजी, नई दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? आप चेक कीजिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, ऑप्शन ए लाल, हरा, नीला, काला। ऑप्शन बी में है सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। ऑप्शन सी है हरा, लाल, पीला, नीला। ऑप्शन डी है नीला, लाल, पीला, काला। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ साथ ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन होते हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग भर दीजिए कमेंट सेक्शन को, ये लगना चाहिए कि सभी लोग आंसर कर रहे हैं और सभी का आंसर आना चाहिए। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं जानते कि यहाँ पर इतने अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो आप शेयर कीजिए और वो भी यहाँ पर अपना
चेकआउट कर पाए कि वो कैसी तैयारी कर रहे हैं। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के चार कलर कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, सात। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? बहुत ही फेमस प्रश्न और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन है सुधीर खास्तेगीर, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, क्षितेंद्र नाथ मजुमदार। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, किसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा? एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो, कोणार्क मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर करेंगे सभी लोग एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो, कोणार्क मंदिर। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जिन्होंने डी आंसर दिया सभी का आंसर बिल्कुल होता है सही, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और ये सूर्य देव का बहुत बड़ा मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? राम कुमार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, शांति देव, सोमनाथ होर। तो किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? आंसर आप सभी लोग देंगे राम कुमार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, शांति देव, सोमनाथ होर। फटाफट आंसर करेंगे किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? राइट आंसर यहां पर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। और सोमनाथ होर का वीडियो चैनल पर दिया गया है, समकालीन कलाकारों के प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों के वीडियो वहां पर मिल जाएंगे डिटेल में। तो कांस्य मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित की गई हैं? सोमनाथ होर के द्वारा। राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर। आर एस विस्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट, इनमें से कोई नहीं। आर एस विस्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स या इनमें से कोई नहीं। आपके जो भी महाविद्यालय हैं, चार महाविद्यालय फेमस जो हैं कला स्कूल, इनके विषय में भी चैनल पे वीडियो दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो जरूर क्लिक करें उस वीडियो को, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जानकारी वहां मिलेगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर एस विस्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ कला महाविद्यालय। आर एस विस्ट, रणवीर सिंह विस्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के। राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने स्क्रीन पर। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि, राहुल सांकृत्यायन, वात्स्यायन, यशोधर पंडित। आंसर देंगे सभी लोग कामसूत्र के रचयिता कौन थे। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आपको गलत नहीं करना है परीक्षा हॉल में। तो कामसूत्र के रचयिता कौन है? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, ब्लॉग मेकिंग के। वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं, तो वॉल्ट डिज्नी किसके जनक हैं? स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, ब्लॉग मेकिंग के। सभी लोग आंसर देंगे। सिक्स पीएम पर यह वीडियो आप सभी को मिलेगी, 6 PM पर। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड करती तो मैं आप सभी के लिए कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालती हूँ, उसका आंसर आप लोग किया करें, और किसी कारणवश वीडियो नहीं दे पाती तो उसके लिए मैं बार बार आप सभी से माफी चाहती हूँ। वॉल्ट डिज्नी के जनक कौन है? तो वॉल्ट डिज्नी किसके जनक है? एनिमेशन प्रक्रिया के। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉल्ट डिज्नी जनक है एनिमेशन प्रक्रिया के। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1906, 1918, 1941।
राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1906, 1918, 1941, 1921। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1906। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। कला के तत्व, कला की जो माध्यम प्रविधियां हैं, इन सभी का वीडियो आपको दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे और आप आसानी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर सकते हैं। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की जो पुनरावृत्ति है इससे उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? जितने भी आपके ग्रंथ हैं उनके लेखक और महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर, इन सभी का वीडियो चैनल पे दिया गया है। तो भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास, वराह मिहिर। साथ ही एनसीईआरटी क्लास 11 की भी मैंने पूरी कंप्लीट कराई है चैनल पे, एक बार आप उन वीडियो को जरूर सुनिएगा, बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वराह मिहिर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। आंसर आप सभी लोगों को देना है, आप लोगों ने तैयारी की है और अब आपको रिवीजन करना है, देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन रह जाते हैं, जो गलत होते हैं, उनको आप अलग से नोट कीजिए और फिर से तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन शैली। कल्प सूत्र ग्रंथों के जो चित्रण है ये किस शैली में हुए? जैन शैली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगिरिया। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगिरिया। आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर करा करें, ठीक है? आप आंसर जरूर किया करें, गलत सही जो भी आपको समझ में आ रहा है आंसर जरूर दिया करें। तो विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगिरिया में। 15 का राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी, एलिफेंटा। महेश मूर्ति जो रॉकट मूर्ति है ये कहां पर है? एलिफेंटा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम है? डेविड ओगिलवी, जेम्स अगस्ट, वोलनी बी पाल्मर, ए डब्ल्यू अय्यर। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम है? डेविड ओगिलवी, जेम्स अगस्ट, वोलनी बी पाल्मर, ए डब्ल्यू अय्यर। आंसर देंगे तो न्यूज़पेपर जो है बंगाल गजट, इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्ट की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम? डेविड ओगिलवी, जेम्स अगस्ट, वोलनी बी पाल्मर, ए डब्ल्यू अय्यर। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? आंसर देंगे सभी लोग तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स अगस्ट हिक्की। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में आठ रसों को बतलाया था? आचार्य उद्भट ने, आचार्य बाणभट्ट ने, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य नारायण मुनि ने। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में आठ रसों को बतलाया था? आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। तो किसने नाट्यशास्त्र में सबसे पहले आठ रसों को बताया था?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है? प्रमाण, अनुपात, आकार, तीनों में से कोई नहीं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का जो माप है ये स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है? प्रमाण, अनुपात, आकार, तीनों में से कोई नहीं। 18 का आंसर सभी लोग देंगे, राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ए, प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का जो माप है ये स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कई बार इवन बार बार देखने को मिलता ही मिलता है। तो भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानना है, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। ऑप्शन बी में है प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, रूप भेद। ऑप्शन सी है भाव, लावण्य योजना, प्रमाण, रूप भेद। ऑप्शन डी है लावण्य योजना, प्रमाण, भाव, रूप भेद। और इसको मैंने कई बार आपको बताया है, एक श्लोक बताया गया है जो अगर आप उस श्लोक को याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना। ये श्लोक आप याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आप गलत कभी नहीं करेंगे, ठीक है। चित्रकला के षडंगों का जो सही क्रम है, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मानखा, उस्ताद सैयद अली। तो विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी चित्र है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर के द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया गया। और जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर जो है ये फेमस थे पशु पक्षियों का चित्रण करने के लिए, पशु पक्षी और फूलों का भी चित्र इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? गोथिक, बारोक, बाइजेंटाइन, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बाइजेंटाइन कला और इन सभी का वीडियो दिया है, और इसके अलावा बाद में भी मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं पाश्चात्य कला के। प्लेलिस्ट में यूथ कंपटीशन की पूरी पाश्चात्य कला के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखेंगे। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? तो गोथिक, बारोक, बाइजेंटाइन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिएगा, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जूनियर, स्टुअर्ट पिगॉट, डी एस गार्डन। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? आंसर देंगे सभी लोग, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगॉट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा लिखी गई प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है, भरूत स्तूपों का काल है शुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल, चंदेल काल। भरूत स्तूपों का काल है शुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल, चंदेल काल। तो भरूत स्तूपों का काल है राइट आंसर ऑप्शन ए, शुंग काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। चित्रण के धरातल के 2 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, या फिर लखनऊ स्कूल से? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, या फिर
लखनऊ स्कूल से, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? एल एम सेन, ए के हालदार, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, यामिनी रॉय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? एल एम सेन, ए के हालदार, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, यामिनी रॉय। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? बसावन, आकारिजा, मनोहर, मंसूर। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, आकारिजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकारिजा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी, पीवी जानकी राम, पी राजीव नयन, बलबीर सिंह कट। तो ट्रम्प ऑफ लेबर जो मूर्ति है ये किसने बनाई है? आंसर करेंगे सभी लोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए है। और डीपी राय चौधरी के विषय में बहुत ही अच्छे से चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जरूर चेक कीजिएगा। इनकी सभी मूर्तियों के विषय में वहां बताया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, लखनऊ के रविंद्रालय पर म्यूरल किस कलाकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख, मदन लाल नागर, के जी सुब्रमण्यन, रविंद्रनाथ टैगोर। लखनऊ के रविंद्रालय पर म्यूरल किस कलाकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख, मदन लाल नागर, के जी सुब्रमण्यन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के जी सुब्रमण्यन के द्वारा लखनऊ के रविंद्रालय पर एक बड़ा म्यूरल बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दमोह जनपद में, रेवा जनपद, रतलाम जनपद, धार जनपद। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? सभी लोग आंसर देंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धार जनपद। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? धार जनपद। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भू दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, शिकार दृश्य में। बिशन दास निपुण थे, तो बिशन दास किस किन चित्रों को बनाने में निपुण थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छवि चित्र बनाने में। बिशन दास जो थे ये छवि चित्र बनाने में काफी निपुण थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? ऑप्शन है फर्श पर, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए फर्श पर, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका मुंडेरों पर, ऑप्शन सी है दीवार व छत पर, दीवार व छत पर, और ऑप्शन डी है गुफाओं के द्वार पर, गुफाओं के द्वार पर, ठीक। तो ध्यान देंगे, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवार व छत पर। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 34, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कास्ट डिजिट, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, लो कंपोजिशन डिस्प्ले। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है? आंसर देंगे सभी लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कास्ट डिजिट, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, लो कंजप्शन डिस्प्ले। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी मॉनिटर में जो एलसीडी का है इसका अर्थ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, शिव, नटराज। तो अभी इसके पहले ऊपर स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कोणार्क जो है ये सूर्य देवता का मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है जामिनी रॉय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी से। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? आंसर देंगे सभी लोग, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और विनोद बिहारी मुखर्जी का भी वीडियो आपको चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिए इनके विषय में डिटेल जानकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? माइकल एंजलो, टिशियन, लियोनार्डो, राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार ने चित्रित किया? ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राफेल। तो राफेल के द्वारा बनाया गया स्कूल ऑफ एथेंस चित्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी से किया जाता है और उसका आंसर आपको देना होता है कमेंट सेक्शन में। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, बारबीजन ग्रुप, रीतिवादी ग्रुप, रोकोको ग्रुप, यथार्थवादी ग्रुप। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था क्या कहलाता है? बारबीजन ग्रुप, रीतिवादी ग्रुप, रोकोको ग्रुप, यथार्थवादी ग्रुप। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारबीजन ग्रुप। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, देवदारी जेरी को किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तेवदोर जेरी को किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? आंसर देंगे सभी लोग, तो 39 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमांसवाद। तेवदोर जेरी को जो है ये किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा। तो किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर सी, जिन्होंने सी आंसर दिया सभी का आंसर बिल्कुल होता है सही। एमएफ पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन है आप सभी देखेंगे राजघाट, सारनाथ, मोहनजोदड़ो, नालंदा। आंसर देंगे सभी लोग, तो सभी का आंसर आना चाहिए पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? देवता, पशु, नृत्यांगना, योगी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नृत्यांगना। प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है ये नृत्यांगना की है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है? मोहनजोदड़ो,
बेल्लारी, रायगढ़, हड़प्पा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी लोग देंगे, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है। ये सभी प्रश्न आपको चैनल पे पहले भी कराए गए हैं और आज आप टेस्ट के रूप में देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन क, मोहनजोदड़ो। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कह रहा है नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को करेंगे। नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? पत्थर, टेराकोटा, कांस्य, लकड़ी। नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ग, कांस्य। प्रथम जो धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ये किस माध्यम में है? कांस्य माध्यम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा कि प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है, बस आपसे एक ही बात कही जाती है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते अपने चैनल के लिए, तो ये आपका दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रीच कराएँ। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ वाला, सिंधु सभ्यता। तो धातु मूर्ति जो है ये किस सभ्यता से प्राप्त है? सिंधु सभ्यता से। राइट आंसर होगा आपका डी वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई है 2.6/1 इंच, 8 इंच, 26 सेंटीमीटर, 3.7/8 इंच। तो यहाँ पर आंसर देंगे सभी लोग, हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? नटराज की मूर्ति जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है उसकी ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 3.7/8 इंच। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल, सातवाहन काल। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट आंसर करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ख, कुषाण काल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, भाजा की गुफा स्थित है। तो भाजा की गुफा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, भूटान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। भाजा की गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग देंगे, भाजा की गुफा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ग, महाराष्ट्र में। भाजा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ग, कर्नाटक। होयसल मंदिर किस प्रदेश में है? ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी किस काल में बनाई गई? 1370 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 5400 ईसा पूर्व या फिर 2500 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी किस काल में बनाई गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, स्नानागार कहाँ स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। स्नानागार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, मोहनजोदड़ो। जिन्होंने ख ऑप्शन दिया सभी का सही है। स्नानागार कहाँ पर स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 12, विशाल अन्नागार का संबंध है एस्ट्रकन से, हेलेनिस्टिक से, रोमन से, मोहनजोदड़ो से। तो विशाल अन्नागार का संबंध किससे है, तो विशाल अन्नागार जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, लंकेश्वर, गणेशलेश, सिंहवाहिनी, इंद्र सभा। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी के पास तक। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, इंद्र सभा। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इतना रिवीजन कीजिए कि आपके ये प्रश्न गलत ना हो। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, इंद्र सभा के नाम से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए, दृश्य के लिए, एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ति के लिए। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों के लिए, बौद्धों और जैनों के लिए, हिंदुओं और जैनों के लिए, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, आंसर सभी लोग करेंगे, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के गुफाएं और शैलकृत मंदिर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है, ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए लिया गया है, तो आप फटाफट यहाँ पर आंसर करते हुए चलेंगे और वीडियो को शेयर करते रहेंगे। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। तो एलोरा जो है ये कैलाश मंदिर के लिए काफ़ी फेमस रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को ही एलोरा की जान कहा जाता है और इसी के लिए ये काफ़ी फेमस है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी होगा, कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा, कार्ले गुफा। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा, कार्ले गुफा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, एलिफेंटा गुफा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये त्रिमूर्ति है कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा गुफा में, राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए, हाथियों के लिए। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग आंसर देंगे एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। और गुफाओं की चित्रकला का अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि वहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मैंने सभी गुफाओं के क्वेश्चन को कराया है। तो एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, मूर्तियों के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, विख्यात महेश रॉककट मूर्ति कहाँ है, सारनाथ, एलिफेंटा, सिगिरिया, अमरावती। विख्यात महेश रॉककट मूर्ति कहाँ है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपके स्थापत्य कला से लिए गए हैं। विख्यात महेश रॉककट मूर्ति कहाँ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, एलिफेंटा। महेश रॉककट मूर्ति कहाँ पर है, ये आपका एलिफेंटा में है, राइट आंसर ख होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, तो आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का कानपुर मंदिर, यानी कि कानपुर में जो आपका भीतर गांव मंदिर है, भूमरा शिव मंदिर, देवगण दशावतार मंदिर। तो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग
किस मंदिर में मिलता है, शिखरों का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सबसे पहले शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में देखने को मिलता है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, राइट आंसर घ होगा। और मंदिर का टॉपिक भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधार कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली, स्थापत्य शैली, मूर्ति शैली, इनमें से कोई नहीं। गांधार कला शैली मुख्यतः है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हम भी फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। गांधार कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली, स्थापत्य शैली, मूर्ति शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर होगा मूर्ति शैली। गांधार कला शैली जो है ये मूर्ति शैली है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, मुगल काल। तो किस काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी लोग देंगे। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ, सही आंसर यहां पर आपका होगा ऑप्शन क, गुप्त काल। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल में ही, तो राइट आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, कुषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शुंग काल। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये शुंग काल की है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है तो आंसर करेंगे फटाफट, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ख, जहांगीर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, फतेहपुर सीकरी, आगरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन क, दिल्ली। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये क्वेश्चन पहले भी कराए जा चुके हैं चैनल पर, आपके रिवीजन के लिए आज मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं देखेंगे। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था, क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28, एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता हैं, रामकिंकर बैच, शंखो चौधरी, धनराज भगत, धन्य विष्णु। एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता कौन हैं, आंसर सभी लोग करेंगे। एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता कौन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, धन्य विष्णु। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तो ध्यान से आंसर करेंगे, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, मौर्यों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने, यूनानियों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सभी लोग देंगे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, राइट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन सी, गुप्तों ने। देखेंगे अगला प्रश्न और आंसर करेंगे फटाफट, ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, एफिल टावर, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, एफिल टावर, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, जो कि ईंट से निर्मित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, वृषभ स्तंभ मिला है, कहाँ से मिला है, वाराणसी, रामनगर, गया, रामपुरवा। वृषभ स्तंभ मिला है वाराणसी, रामनगर, गया, रामपुरवा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन घ,
रामपुरवा। वृषभ स्तंभ कहाँ मिला है? रामपुरवा से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार, कोटा, हैदराबाद, ग्वालियर। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग आंसर देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, रूस, जापान, थाईलैंड। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? सभी लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 33 का तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। हनीवा टेराकोटा जो है ये किस देश से संबंधित है? जापान से। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मध्य प्रदेश, सासाराम, उत्तर प्रदेश। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सभी लोग देंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? 34 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, कोलकाता, कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? आंसर सभी लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ध्यान देंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है? द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में, कोणार्क में, महाबलीपुरम में, हम्पी में। द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। तो द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ है? ये आपका है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे और आंसर करेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस नगर के समीप है? क्वेश्चन नंबर 37, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस नगर के समीप है? आगरा, दिल्ली, कर्नाटक, ललितपुर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस नगर के समीप है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ललितपुर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ध्यान देंगे क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर, गोलकुंडा, बीजापुर, फतेहपुर। आंसर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आप लोगों से लास्ट में एक प्रश्न भी किया जाता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, हर एक प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजापुर में। और ये जो आपको अवसर मिला है, इस अवसर को आपको जाने नहीं देना है। तो हर स्टूडेंट उतनी ही मेहनत करेगा और हर स्टूडेंट कोशिश करेगा कि वो अपना सिलेक्शन जरूर ले। TGT की तैयारी कर रहे हो या PGT की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको अपना सिलेक्शन जरूर लेना है। साथ AMRS वाले भी जो कला एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये आपका बीजापुर में है, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल है, क्वेश्चन नंबर 39 का सभी लोग आंसर देंगे, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल क्या है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन का, 5वीं शताब्दी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा मंदिर कानपुर में स्थित है? कोणार्क मंदिर, भीतरगांव, सासबहु मंदिर, इनमें से सभी। मेरी कोशिश होगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। तो निम्न में से कौन सा मंदिर कानपुर में स्थित है? कोणार्क मंदिर, भीतरगांव, सासबहु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कानपुर में स्थित मंदिर है आपका भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का जो मंदिर है ये आपका कानपुर में स्थित है, राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे और आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, बहाई टेम्पल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बहाई टेम्पल कहाँ पर स्थित है? बहाई टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन क।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, आंध्र प्रदेश में। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यूथ कंपटीशन पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, और अगर आपने पूरी यूथ कंपटीशन की बुक तैयार कर ली तो आपको सिलेक्शन से कोई भी बाहर नहीं कर सकता, इसलिए आप उन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, शुंग, सातवाहन। सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सभी लोग आंसर देंगे, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग वाला आंसर बिल्कुल सही है, शुंग काल। सांची और भरहुत के स्तूप का जो निर्माण काल है ये शुंग काल है, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का जो समन्वय है वो सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखेंगे, लाल किले में, ताजमहल में, पंचमहल में, शेरशाह के मकबरे में। जितने भी प्रश्न आपको चैनल पर करवाए जाते हैं इन सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो प्लीज़ आप एक भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, और जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं चाहे वो लाइव क्लासेस में दिए गए हों चाहे वो अपलोडेड वीडियो हों, सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय कहाँ पर देखने को मिलता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ख, ताजमहल में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, स्तूप प्रतीक है, स्तूप किस चीज़ का प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का, चैत्य का, विहार का, या फिर समाधि का। स्तूप प्रतीक है महापरिनिर्वाण का, चैत्य का, विहार का, समाधि का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका आंसर सभी जगह अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको महापरिनिर्वाण भी मिलता है और कहीं पर आपको समाधि मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग क्या लगाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी हैं? सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी हैं? आंध्र काल, सैंधव काल, चंदेल काल, गुप्त काल। सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृति जो है ये किस काल में बनाई गई है? आंसर देंगे सभी लोग आंध्र काल, सैंधव काल, चंदेल काल, गुप्त काल। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क, आंध्र काल। सांची में जो शाल भंजिका यक्षी आकृतियाँ हैं ये आपके आंध्र काल में बनी है, राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो, महाबलीपुरम, एलोरा, लिंगराज मंदिर। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ख, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर, अगला क्वेश्चन है, गंगा अवतरण द डिसेंट ऑफ गंगेस नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, अजंता, गंगोत्री, गंगा तट बनारस। गंगा अवतरण द डिसेंट ऑफ गंगेस के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति है ये कहाँ पर बनी हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन क, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 59 है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? मौर्य, शुंग, केसरी, गुप्त। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? तो ये कराया गया था केसरी वंश के द्वारा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग, केसरी वंश के राजाओं ने कराया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 60 है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाबलीपुरम, पुष्कर, उड़ीसा, तंजौर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी,
उड़ीसा, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 61। खजुराहो प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, झीलों व नदियों के लिए, तो खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंदिरों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 62। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सित्तनवासल, सिगिरिया, खजुराहो, कोणार्क। तो आप सभी लोग जानते हैं कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये आपका खजुराहो में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा और आंसर करेंगे। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, कटक में, महाबलीपुरम में, खजुराहो में, बनारस में। तो चतुर्भुज मंदिर है जो कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है, ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, खजुराहो में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, तो ध्यान देंगे, खजुराहो में कितने मंदिर हैं? 30, 85, 22, 25। खजुराहो में कितने मंदिर हैं वर्तमान में? खजुराहो में कितने मंदिर हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में, अहमदाबाद में या फिर हैदराबाद में, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण काल क्या है? खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 950 से 1050 ईस्वी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो ऑप्शन ए ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, रेड सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट। दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, तो ये किससे बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मकराना मार्बल से बना है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बना है? तो नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट आबू। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आंसर करेंगे। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, सास बहु मंदिर, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो याद रखेंगे सूर्य मंदिर कोणार्क का जो है, ये इसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर देंगे फटाफट। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन देखेंगे, राजा इंद्रजीत सिंह देव ने, राजा विक्रम सिंह देव ने, राजा नरसिंह देव ने, राजा चंद्र देव ने। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा नरसिंह देव ने, राजा नरसिंह देव ने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 71। कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? ऑप्शन है सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क, सूर्य। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ध्यान देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तंजौर, बेल्लोर, मदुरई, हम्पी। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मदुरई। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये मदुरई में है। राइट आंसर ग होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 73। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? राजा उम्मेद सिंह के द्वारा, राजा पटियाला सिंह के द्वारा, राजा माधव राव के द्वारा, राजा सवाई सिंह के द्वारा। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर सभी लोग देंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा सवाई सिंह के द्वारा। नई दिल्ली में जो स्थित जंतर मंतर है ये किसके द्वारा बनवाया गया? राजा सवाई सिंह के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन घ।
अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, जावा, श्रीलंका, अफगानिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जावा। विश्व का पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है ये जावा में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है द रेंडियर, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, द हेड ऑफ वार्का, द डांसिंग गर्ल। यहाँ पर मनुष्य के द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प की बात की जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मांडू, जयपुर, कोणार्क, ग्वालियर। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन क, मांडू। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ये आपका मांडू में है, राइट आंसर क होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर देंगे सभी लोग, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे जयपुर, दौलताबाद, महाबलीपुरम, तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका तंजौर में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर का टॉपिक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही कला रिवीजन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखेंगे। तो निम्न में से पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देवगढ़, नचना कुठार, भूमरा, एरल। पार्वती के फेमस मंदिर की बात की जा रही है, तो ये आपका है नचना कुठार, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, कानपुर, आगरा। सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन क, दिल्ली। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, 64 योगिन मंदिर कहाँ स्थित है? स्थापत्य कला और मूर्ति कला का ये PDF आपको शिवानी आर्ट क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, तो आप लोग अगर उसे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाता है। साथ ही आप चैनल के पेज पे जब जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ भी लिंक दिया गया है। तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, कानपुर, भुवनेश्वर, गया। इस क्वेश्चन का पूरा PDF आपको वहाँ पर दिया जाएगा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन क, खजुराहो। खजुराहो में है 64 योगिन मंदिर, राइट आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाबलीपुरम, भुवनेश्वर, ओडिशा, सिंगापुर। राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, भुवनेश्वर, ओडिशा, सिंगापुर। तो राजा रानी मंदिर आपका ये भुवनेश्वर में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 82, तेली का मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तेली का मंदिर किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आप सभी लोगों, क्वेश्चन नंबर 83, गयासुद्दीन का मकबरा निम्न में से कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो शिवानी आर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करेंगे, तभी हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। गयासुद्दीन का मकबरा निम्न में से कहां पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 84, रबिया उद दुर्रानी यानी कि बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, कर्नाटक, औरंगाबाद। रबिया उद दुर्रानी बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है औरंगाबाद में, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी प्रश्न आपके TGT PGT आर्ट एग्ज़ाम के लिए, और इसके अलावा जो आप
DSSB की तैयारी करते हैं या फिर अदर आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, KVS NVS सभी जगह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। EMRS वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इवन जितने भी चैनल पे वीडियो दिए गए हैं सभी वीडियो आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रबिया उद्दुर्रानी बीवी का मकबरा कहाँ पर है, ये आपका औरंगाबाद में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। मध्यकाल में सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मध्यकाल में सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन है शेरशाह के मकबरे में, एतमाउद्दुल्ला के मकबरे में, आदिल शाह के मकबरे में, बीवी के मकबरे में। तो मध्यकाल में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो 85 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एतमाउद्दुल्ला के मकबरे में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। मयूर सिंहासन का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान देंगे, मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मयूर सिंहासन जो है इसका निर्माण कराया था जहांगीर के बेटे ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। मयूर सिंहासन किसके देखरेख में बना था? ऑप्शन है हुमायूं, बीबादल खां, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबादल खां। बीबादल खां की देखरेख में ही मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया है? तो ऑप्शन है तेलंगानी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है इसमें सबसे पहले दोहरा गुंबद बनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। कश्मीर का मारतंड मंदिर, अभी आपने कोडार के सूर्य मंदिर को पढ़ा था, अब आपके सामने प्रश्न है कश्मीर का मारतंड मंदिर, ये भी आपका सूर्य मंदिर ही है। तो कश्मीर का मारतंड मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है बालादित्य, सम्राट हर्ष, महारानी दिद्दा, ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर का जो मारतंड मंदिर है, सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण जो कराया गया था ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे इस तरह से ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। कश्मीर का मारतंड मंदिर यानी कि जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ललितादित्य मुक्ता पीठ के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 90। प्रसिद्ध तीर्थस्थल कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? और जितने भी आपके मंदिर हैं कहाँ पर स्थित हैं ये अलग से एक वीडियो मैंने दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। प्रसिद्ध तीर्थस्थल कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम, बिहार, भूटान, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क, असम। कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पर है? ये असम में है। राइट आंसर क। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है श्रवण बेलगोला में, उज्जैन में, कन्याकुमारी में, अजमेर में। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन क, श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन क, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही आपका तेलिका मंदिर है, मध्य प्रदेश में ही आपका लक्ष्मण मंदिर भी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। सल्तनतकालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी? इंडो यूनानी, इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, अरबस्क। सल्तनतकालीन इमारतों में अलंकरण की जो संयुक्त विधि थी ये क्या कहलाती है? तो NCERT क्लास 11 की जब मैंने कराई थी तो उसमें हर एक चैप्टर को अच्छे से बताया गया है और वहाँ पे इन शैलियों का जिक्र भी आता है, तो आप सभी उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे। एक एक चैप्टर आप अगर सुन लेंगे तो आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा, ये चीज़ें आप और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है।
तो सल्तनतकालीन इमारतों में जो अलंकरण की संयुक्त विधि है ये विधि क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी अरबस्क। और इसके अलावा मैंने ये जो अरबस्क है या फिर जो भी आपकी कला में जो वर्ड आते हैं इनका मतलब क्या है तो इसका भी वीडियो दिया गया है, ठीक है, इन शब्दों का अर्थ सहित वीडियो दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? ऑप्शन है मोरेना का 64 योगिनी मंदिर, नई दिल्ली का कमल मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ब्रिटेन का पार्लियामेंट हाउस। तो भारत का जो संसद भवन है ये किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन का मोरेना का 64 मंदिर। मोरेना का जो 64 मंदिर है इसी के आधार पर आपके भारत का जो संसद भवन है इसका भी निर्माण किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, किस स्मारक समूह की मूर्तियाँ कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? महाबलीपुरम, खजुराहो, एलोरा, एलिफेंटा, किस स्मारक समूह की मूर्तियाँ कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? महाबलीपुरम, खजुराहो, एलोरा, एलिफेंटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, खजुराहो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन है। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताइए जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन है। सभी लोग आंसर करते रहेंगे, आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो ऑप्शन क है राजकीय संग्रहालय मथुरा, ऑप्शन ख है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन ग है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ऑप्शन घ है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। लाइव क्लास लेना संभव नहीं हो पाता, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं किस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ फिर अपलोड करती हूँ, तो इसे मैं प्रीमियर कर देती हूँ जिससे आप लोग अपना लाइव क्लास की तरह ही आंसर दे पाएँ। तो आपका भी दायित्व है कि चैनल को आगे की ओर उन्नति करने के लिए और साथ ही अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन मिलता है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, राजकीय संग्रहालय मथुरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन क, राजकीय संग्रहालय जो मथुरा है यहाँ पर आपको कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, कंदरिया मंदिर संबंधित है जैन समुदाय, वैष्णव समुदाय, बौद्ध समुदाय, शैव समुदाय। तो कंदरिया मंदिर जो है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शैव समुदाय। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 98, खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सा है? खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सा है? ऑप्शन है द्राविड़, नागर, यक्ष, मुगल। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर देंगे सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागर शैली। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है प्रथम शताब्दी बीसीई, तृतीय शताब्दी बीसीई, चतुर्थ शताब्दी बीसीई, इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 99 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ख, तृतीय शताब्दी BCE। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट का प्रश्न है, निम्न में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे कौन से राजा थे जो कला एवं साहित्य के शौकीन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क, जिन्होंने क ऑप्शन दिया है आंसर सभी का बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त।